नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आपका जीएस पाठशाला में। गाइज, आज हमारा ये एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासिक्स का चैप्टर 10 का समरी है। प्लीज़ गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। गाइज, आज हम लोग जानने और समझने का कोशिश करेंगे व्यापारियों के बारे में, कुछ राजाओं के बारे में और तीर्थयात्रियों के बारे में। तो इसे हम लोग देखते हुए चलते हैं कि व्यापार और व्यापारी, पहला पॉइंट जो आता है। तो व्यापार जो होता था हमारा व्यापारियों के द्वारा, इसमें हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत, ये जो हमारा एरिया हो जाता है दक्षिण भारत, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के किनारे ही है। समुद्र के किनारे होने के कारण क्या था, विदेशी व्यापारियों का बड़े बड़े नाव के जहाजों के द्वारा यहाँ तक पहुंचना आसान हो जाता था, क्योंकि स्थल मार्ग के मुकाबले ये जो जल मार्ग था ये ज्यादा बेहतर हुआ करता था, और आज भी कम खर्चीला होता, ज्यादा बेहतर होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत जो था, यहाँ पर हमें सोने, कीमती पत्थर और मसाले काफी मात्रा में पाए जाते थे, और इसी कारण यहाँ से विदेशी व्यापार होना ना शुरू हुआ। जो हमारा ये कर्नाटक है, आज भी सोने का जो खान है यहीं पर पाया जाता है, कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं इस इलाके में, समुद्र के किनारे होने के कारण मोती भी पाए जाते हैं। काली मिर्च, जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत में भी देखेंगे कि काली मिर्च काफी इम्पोर्टेंट साबित हुआ है पुर्तगालियों को भारत में बुलाने का मेन कारण रहा, क्योंकि पुर्तगाली काली मिर्च के कारण ही मेनली जो भी विदेशी व्यापारी आए थे उनका जो भारत में प्राइमरी बिजनेस हुआ था काली मिर्च के कारण, और वो उनका काली मिर्च का खेती साउथ इंडिया मेनली होता है। काली मिर्च इतना इम्पोर्टेंट हो गया था उस वक्त कि रोम में उसे काला सोना कहा जाने लगा था, जैसे वर्तमान में हम कोयले को काला हीरा हम सभी कहते हैं, उसी तरीके से उस वक्त काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था रोम में। ये जो व्यापारी समुद्र मार्ग से आए जाया करते थे, इनमें समुद्र में बहने वाली जो मानसूनी हवाएं होती थी काफी मददगार साबित होती थी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जहाज पर लगा हुआ ये पर्दा जो होता था, समुद्री हवाएं इससे इस पर जब प्रेशर डालती थी तो ये आगे की ओर मूव करता था, जिससे हवा के कारण और इस पर्दे के कारण स्पीड काफी बढ़ जाता था। जिस डायरेक्शन में जाना होता था उस डायरेक्शन में हवा के मुताबिक पर्दे को घुमाया जाता था। तो जल मार्ग जो होता था काफी फास्ट भी साबित हो गया था, इजी भी था, और सबसे मेन बात कम खर्चीला था स्थल मार्ग के मुकाबले। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसका जो हमें साक्ष्य पता चलता है कि हमारे जो साउथ के एरिया है वहां पर विदेशी व्यापार हुआ करता था, उसका मेन कारण है कि रोम के बहुत सारे सिक्के वहां पर प्राप्त हुए हैं साउथ में। ये जो आप सिक्के देख रहे हैं इस टाइप से बहुत सारे रोम के सिक्के हमारे साउथ इंडिया में प्राप्त हुए हैं, जिनका जिक्र संगम साहित्य में भी पाया गया है। दूसरा हम देखते हैं कि समुद्र तट से जो लगे राज्य होते थे वो काफी समृद्धशाली हो गए थे विदेशी व्यापार के कारण, और समुद्रों का तट उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता था कि समुद्र किनारे जो भी राज्य थे उन वो सभी अपनी दो प्रमुख केंद्र रखा करते थे, एक जहां पर उनका कैपिटल होता था और दूसरा समुद्री तट पर कहीं पर अपना एक इम्पोर्टेंट सत्ता केंद्र बनाकर रखा करते थे। दक्षिण का जो ये तट है काफी लंबा हो जाता है, दूसरा पहाड़, पेट पठार, मैदानी, तीनों तरह का यहाँ पर इलाका जो ज्योग्राफी के अनुसार जो के अनुसार जो मेनली तीन क्षेत्र होते हैं पहाड़, पठार और मैदानी, ये तीनों यहाँ पर साउथ में पाए जाते हैं। जो कावेरी नदी कारण जो मैदानी स्थल थे वो भी काफी उपजाऊ थे, पठार मेनली जहाँ पर खनिज होते हैं वहाँ पर पठार भी पाए जाते हैं। तो इस कारण से हम लोग देख रहे थे साउथ काफी समृद्धशाली हो रहा था, वहां पर प्रकृति का के द्वारा दिया हुआ एक मैदानी भाग भी हो जा रहा था, खनिज खदान भी हो जा रहे थे, और जो भी विदेशी व्यापारी यहाँ पर आते थे यहाँ से जाया करते थे तो यहाँ पर टैक्स भी देना होता था उनको, जिन कारण से रिवेन्यू बढ़ रहा था उन वहाँ के राजाओं का। यहाँ पर जो एक मदुरई हम लोग देख रहे हैं उसका चर्चा, ये जो सॉरी मुवेंदर जो है उसका चर्चा हमें मिलता है संगम कविताओं में, इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि संगम की कविताओं में भी इसके बारे में चर्चा मिल रहा है। संगम कविता, संगम काल, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में क्लियर किया था, साउथ में होने वाले कवियों का सम्मेलन को ही संगम कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मुवेंदार के बारे में बताया गया है। देखिए मुवेंदार क्या है, मुवेंदार मतलब तीन मुखिया, एक तमिल वर्ड इसका एक मीनिंग निकलता है तीन मुखिया। क्या क्या, तो
वो तीन मुखिया थे, चोल, चेर और पांडे। जैसा कि यहां पर देख रहे, चोल, चेर, पांडे, इन तीनों के सम्मिलित रूप को मुवेंदार कहा गया, यानी मुवेंदार का शाब्दिक अर्थ हमारा हो जाता है तीन मुखिया। 300 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में ये काफी शक्तिशाली हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर विदेशी व्यापार हो रहा था। विदेशी व्यापार होने के कारण रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा था, फॉरन रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा था, और उस रेवेन्यू के कारण ये काफी, जब पैसा आएगा राजा के पास तो अपना क्षेत्र बड़ा करेगा, सेना बड़ा करेगा, तो शक्तिशाली होगा ही। और जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि इनके लिए समुद्र तट इतना इंपॉर्टेंट थे कि अपने सत्ता के दो केंद्र बिंदु रखते थे, एक तो अपना राजधानी और दूसरा तटीय इलाका में। जैसे चोल है, चोल का राजधानी हमारा हो जाता है उरेऊर, और उसका तटीय राजधानी केंद्र हो जाता है पुहार या कावेरी पट्टनम। जैसे ये चोल है, उरेऊर इसका हो गया राजधानी, और ये कावेरी पट्टनम इसका तटीय राजधानी। उसी तरह से जो चेर है, ये हमारा हो जाता है चेर, इसकी राजधानी थी वंजी, और इनका जो तटीय राजधानी था टोंडी और मुनसिर, ये हमारा हो जाता है टोंडी और ये हो जाता है मुनसिर। तीसरा हमारा है पांडे, पांडे की राजधानी ये मदुरै जो के स्थल में है, और उसका जो तटीय इलाका है उसमें कोरके, ये कोरके हो जाता है उसका तटीय राजधानी या तटीय केंद्र बिंदु कह सकते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि राजधानी तो सत्ता केंद्र था ही, इसके अलावा तटीय क्षेत्र में भी एक सत्ता केंद्र बनाया जा रहा था, यानी तटीय क्षेत्र का इंपोर्टेंस आप इसे समझ सकते हैं। तो ये क्लियर हो रहा है कि हाँ, विदेशी व्यापार हो रहे थे, तटीय क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे, इस कारण से उसे भी सत्ता का केंद्र बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं सातवाहन काल। चोल, चेल व पांडे के काफी बाद आ जाता है सातवाहन काल, 100 ईसा पूर्व। ये हमारा सातवाहनों का मैप है, ये जो रेड वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये सातवाहनों का एक टेरिटरी था। पश्चिम भारत, इसका लोकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मेनली जो सबसे प्रथम शासक थे सिमुक थे, आखिरी शासक हो जाते यजनाश्री सतकर्णी, और जो सबसे प्रमुख शासक थे वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी इस सातवाहन वंश के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे। इन सातवाहनों को दक्षिणापथ स्वामी भी कहा जाता था, क्योंकि दक्षिणा यानी दक्षिण, पथ यानी रास्ता, दक्षिण के पथ का स्वामी यानी दक्षिण के रास्ता का स्वामी, यानी नॉर्थ से किसी को अगर साउथ जाना होगा तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि उसे इन सातवाहनों के एरिया को क्रॉस करके जाए। अगर यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ से किसी को अगर आना है तो ऐसे ही आएंगे, ईस्ट से भी आना है तो सातवाहनों को क्रॉस करके आएंगे, वेस्ट से भी आना तो सातवाहनों को क्रॉस करके आएंगे, यानी ऑल टोटल की ये जो बीच में पोर्शन होने के कारण दक्षिण के मार्ग पर का मेन जरिया हो गया, यानी दक्षिण की तरफ आपको जाना है तो उसके मार्ग में सातवाहनों को क्रॉस करना ही होगा। इस कारण से दक्षिणापथ स्वामी कहला गया, यानी दक्षिण के पथ में इनका मालिकाना हक हो गया। जो भी यात्री या व्यापारी इधर से क्रॉस करते तो उनसे टैक्स वसूला जाता था, जो कि रेवेन्यू जनरेट करता था। दूसरा हम देखते हैं कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर भी अपनी सेनाएं भेजे थे, यानी ये हो जाता हमारा पूर्वी पक्ष, ईस्ट हो गया पूर्वी तट, ये हो गया वेस्ट, पश्चिमी तट और साउथ ये दक्षिणी तट, इन तीनों इलाकों पर भी उन्होंने अपने सेनाओं को भेजा था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद रेशम काल, ये सातवाहनों का कहानी था थोड़ा सा, उसके बाद है रेशम काल। रेशम काल या रेशम मार्ग क्या है, उसे जानने के पहले आप रेशम को समझो। रेशम क्या होता है, एक रेशा होता है, धागा होता है जिसे कपड़े को बनाया जाता है, जो कि काफी कीमती होता है, चमकीला मुलायम होता है। रेशम की साड़ियां काफी फेमस है, रेशम के कपड़े। ये जो रेशम को बनाने का प्रक्रिया था, ये सबसे पहले चीन में इजाद हुआ था इसका प्रक्रिया। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, हुआ था यूं कि चीन के जो उस वक्त राजा थे वो अपने बाग में घूम रहे थे, तो सहतूत के काफी पेड़ थे, सहतूत के पेड़ पर ही रेशम के कीट मेनली पाए जाते हैं, तो उनके चाय में एक सहतूत का कीड़ा गिर गया, तो वो चाय को रख दी साइड। कुछ देर बाद उनका ध्यान गया कि उससे रेशा ऐसा कुछ निकल गया, कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि इस रेशे से कपड़े भी बनाए जा सकते हैं, तो इस तरीके से कुछ रेशम के धागे का इजाद हुआ था, बाद में उससे कपड़े बनाए जाने लगा, और इस तकनीक को काफी समय तक चीनियों के द्वारा गुप्त रखा गया था ताकि वो अच्छे तरीके से व्यापार कर पाए, कोई कंपटीशन मार्केट में ना हो जाए। तो ये जो रेशम के व्यापारी थे, जिस मार्ग से जाते थे उन्हीं को रेशम मार्ग कहा गया। जैसे ये जो आपको दिख रहा है इमेज में मार्ग, ये रेशम मार्ग पूरा कहलाता है।
जो रेड वाले हैं ये स्थल मार्ग हो गए हैं, ब्लू वाले जल मार्ग हो गए, इस तरीके से कुछ रेशम मार्ग था जो कि ऑलमोस्ट एशिया के लगभग सारे कंट्रियों को टच कर ले रहा था। इसमें हम देखते हैं कि चीनी शासक जो थे कभी कभी ईरान या पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के रूप में भी रेशमी कपड़े भेज दिया करते थे। अब देखिए इतनी दूर से कपड़ा आ रहा है, जैसे हमारा चीन हो जाता है, यहाँ पर हमारा चीन है, यहाँ से इतनी दूर से चलकर भारत आए या और भी अरब कंट्री में जाए, यूरोप कंट्री में जाए या जावा सुमात्रा सोमालिया की तरफ जाए, काफी लंबी यात्रा करके जा रहा, तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज तो लगेगा ही, जिस कारण से रेशम कपड़े काफी महंगे होते थे। और उस कारण से महंगे होने के कारण रेशम के कपड़े को पहनना उस वक्त लग्जरियस का बात था, यानी अमीरों के लिए केवल संभव था रेशम के कपड़े को पहन पाना, क्योंकि लंबे दूरी से आ रहा है तो उसका कॉस्टिंग तो बढ़ेगा ही, बीच में जितने साम्राज्य को क्रॉस करेंगे उतने जगह पर टैक्स भी भरना पड़ता था, तो जिस कारण से रेशम के कपड़े काफी महंगे हो जाते थे। और इस मार्ग पर ये जो रेशम के मार्ग है उन पर जो नियंत्रण स्थापित कर लेते थे, क्योंकि जैसे भारत है यहाँ पर जो ये रेशम के मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करेंगे इस एरिया में वो तो टैक्स कलेक्ट करेंगे ही इनसे, और टैक्स कलेक्ट करने के कारण उनका रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि रेशम का डिमांड काफी ज्यादा होने लगा था, महंगा होने के कारण लग्जरियस का बात हो गया था, उस समय फैशन चल गया था कि हाँ अगर आपको अमीर दिखना है तो रेशम पहनना होगा, इस तरह का कुछ बात था। तो जो भी राजा महाराजा थे रेशम जब मंगवाते थे रेशम के कपड़े, तो जहां से भी वो क्रॉस करा वहां पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था, वहां के राजा जो उस रेशम मार्ग पर कब्जा किए रखते थे, नियंत्रित किए रखते थे, उनका रेवेन्यू काफी अच्छा जनरेट होता था, तो जिस कारण से भी रेशम मार्ग काफी महत्वपूर्ण हो जाता था। बदले में जो शासक थे जो टैक्स वसूला करते थे उसके बदले में उन्हें लुटेरों से सुरक्षा भी प्रोवाइड कराया करते थे, और इन शासकों में यानी रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध हुए थे कुषाण। तो कुषाण कौन थे उसके बारे में हम आगे देखेंगे। देखिए कुषाण क्या है, पहली सदी ईस्वी में ये कुषाण वंश का एम्पायर जो कि आप ये देख रहे हैं, ये टोटल कुषाणों का एम्पायर जो है यहां पर स्थापित हुआ था। जो कुषाण थे उनमें से कनिष्क जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कुषाण वंश के, जिन्होंने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, या ये भी बोल सकते हैं रेशम मार्ग के भी सबसे प्रसिद्ध शासक यही थे कनिष्क, ये मध्य एशिया या पश्चिमोत्तर भारत पर शासन कर रहे थे। आप देख सकते हैं इंडिया हमारा मध्य एशिया में, पश्चिमोत्तर भारत हो जाता है, यानी पश्चिम नॉर्थ आई उत्तर उत्तर के इन इस पूरे एरिया में ये शासन कर रहे थे। यहाँ से जो भी लोग रेशम लेके जाएंगे जो भी व्यापारी उनसे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे जिनसे उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। बाकी पेशावर और मथुरा इनके प्रमुख केंद्र हो जाते थे, ये हो जाता हमारा मथुरा, ये पेशावर का जो इलाका हो जाता है, ये दोनों उनका महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो गया था। मथुरा नॉर्थ से ईस्ट जाने के लिए भी फेमस था, मथुरा जो था दोआब के पास था, वहीं पर थोड़ा सा कुछ समय बाद जाकर वहां पर आ जाते हैं और भी प्रसिद्ध शासक। दूसरा हम लोग देखते हैं मथुरा इसके पहले भी काफी फेमस हो चुका था, या ये बुद्ध के मूर्तियों के लिए, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने के लिए मथुरा काफी फेमस हो चुका था, या आगे भी होना बाकी था उसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनके शासनकाल में रेशम मार्ग जो थे, एक तो सिंधु नदी के मुहाने तक मुहाने से जो क्रॉस कर रहे थे, तो एक सिंधु नदी यहां पर हमारा बह रहा था मध्य एशिया से होकर जो कि गुजरता था, ये हमारा हो जाता है मध्य एशिया का पूरा एरिया, ये हमारा जो इंडिया हो जाता है। तो जो भी रोम जा रहे हो यूरोप जा रहे हो, जैसा कि इसके पहले वाले मैप में हमने देखा था, अब जैसे किन्हीं को चाइना से जाना हो रोम के तरफ, या वो समुद्र मार्ग से इस तरीके से जाएंगे या स्थल मार्ग से भी इस तरीके से जाएंगे, दोनों मार्गों पर से कुषाण उनसे टैक्स वसूल कर सकते थे। तो रेशम मार्ग पर होने के कारण उन्हें काफी फायदा मिल रहा था। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इतने समृद्ध हो गए थे ये कुषाण वंश कि इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाया था, कुषाणों ने चलाया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन इससे ये भी जनरेट होता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस काल में चले थे। ऑप्शन में बौद्ध धर्म इस तरीके से भी दिए रहते हैं, तो उसमें बुद्ध होगा आंसर, क्योंकि इन कुषाणों के वक्त भारत में बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित हो रखा था। तो अब जरा बौद्ध धर्म को देखा जाए गाइस, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो अब होना काफी शुरू हो चुका था, जिसमें से कुषाणों के जो सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क,
इस प्रचार प्रसार में काफी योगदान रहता उनका भी, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। इसी वक्त हम देखते हैं कि बौद्ध परिषदों का गठन होता है, जिसमें जो बौद्ध विद्वान है वो एकत्रित होते थे, जैसे संगम काल में तमिल विद्वान एकत्रित होते थे, उसी तरीके से बौद्ध परिषद में बौद्ध विद्वान एकत्रित होते थे, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे, कुछ तथ्यों या नियमों का इजाद किया करते थे। इसी में हम देखते हैं कि बुद्ध चरित नाम से किताब है जिसकी रचना किया गया है कवि अश्व घोष के द्वारा, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे। और ये बुद्ध चरित क्या है, तो भगवान बुद्ध के जीवनी के बारे में इसमें उल्लेखित किया हुआ है। और इसी वक्त जो बौद्ध धर्म था हमारा, ये दो भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान संप्रदाय। तो इस वक्त जो महायान बौद्ध संप्रदाय जिसका विकास इस वक्त होता है, इनका धारणा बाकी बौद्ध बौद्धिष्टों से थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे, तो वो देखते हैं। देखिए, महायान बौद्ध संप्रदाय जो था उसकी दो मुख्य विशेषता हो जाती, पहला कि बौद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, दूसरा बौद्धिष्टों में आस्था। तो एक एक करके देखते हैं कि बौद्ध की प्रतिमा। देखिए गाइस, इसके पहले क्या होता था कि बौद्ध को दर्शाने के लिए, भगवान बुद्ध को दर्शाने के लिए पीपल के वृक्ष को एज ए सिंबल यूज किया जाता था ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसी से क्लियर हो जाता था कि हाँ, भगवान बुद्ध का ये प्रतीक माना जाता था। लेकिन अब जो भगवान बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी पूजा किया जाने लगा था, इसके पहले क्या था, भगवान बुद्ध को एक गुरु माना जाता था, एक इंसान माना जाता था, लेकिन अब ईश्वर मानकर उनका पूजा किया जाने लगा था। और अधिकांश मथुरा और कुछ तक्षशिला में मूर्तियों का निर्माण हुआ, यानी मथुरा जैसे मैंने पहले बताया था कि एक प्रमुख केंद्र बन जाता है, धार्मिक केंद्र बन जाता है, बाकी कृष्ण की नगरी तो कहलाता है मथुरा, वैसे बुद्ध की काफी मूर्तियां यहाँ पर बनना शुरू कर दिया गया था, कुछ मूर्तियां तक्षशिला में भी बना है। नेक्स्ट देखते हैं बोधिसत्व में आस्था। देखिए बोधिसत्व क्या होता है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, उन्हें बोधिसत्व कहते थे। यानी कि जैसा नियम के अनुसार, नियमानुसार कि आप एक को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया है तो आप एकांतवास में बैठ जाओ और साधना करते रहो, चिंतन मनन करते रहो, वही था बोधिसत्व। लेकिन अब महायान में चेंजेस आ गया। इसमें क्या था कि ना, बोधिसत्व प्राप्त होने के बाद, यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद, कहीं एकांत में बैठकर साधना करने के बजाय शिक्षा देना, मदद करना, यानी संसार में रहना, सांसारिक जीवन को जीना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा इनके अनुसार। क्योंकि अगर आप अकेले में बैठे हुए तो आपका ज्ञान किसी नहीं मिलेगा, और आप जो ज्ञान प्राप्त कर लिए अगर दूसरों को देते हैं तभी कुछ विकास होगा। इसलिए यहाँ पर विचार किया गया कि नहीं, अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है तो बेहतर होगा कि हम कहीं पर जाएं, लोगों का मदद करें, उन्हें शिक्षा दें, उनके जीवन में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, जैसा कि टीचर्स करते हैं अपने एक्सपीरियंस को विद्यार्थियों के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से ज्ञान देने का बात किया जाने लगा। दूसरा, बोधिसत्व में पूजा काफी लोकप्रिय हो गया, अब लोग पूजा करने लगे, यानी कि आडंबरों को, पूजा पाठ के नियमों को, विधियों को अपनाना शुरू किया जाने लगा। और ये पूजा इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तक फैल गया। यानी पहले बोधिस्ट एक लाइफ स्टाइल था, और लेकिन अब ये धर्म के रूप में उभरने लगा, एक कह सकते हैं कि पूजा पाठ एक धर्म के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है पश्चिम प्लस दक्षिण भारत तक भी पहुंचा, जहां बौद्ध भिक्षुओं के लिए दर्जनों मठ गुफाओं का निर्माण किया गया था। और इनका जो प्रचार प्रसार है, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, फौरन ही पहुंचता, श्रीलंका पहुंच गया, म्यांमार पहुंचा, थाईलैंड पहुंचा, इस तरीके से और भी कंट्री की तरफ पहुंचने लगा। तो ये आपको रूट मैप दिख रहा है कि इस तरीके से बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला, भारत से जो निकला एक तरफ इधर जाता हमारे म्यांमार साइड, इंडोनेशिया के साइड, इधर श्रीलंका की तरफ जा रहा है, उधर चाइना की तरफ, जापान की तरफ, इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में बौद्ध संप्रदाय फैलना शुरू हुआ या बौद्ध विचार फैलना शुरू हुआ। थेरवाद, देखिए थेरवाद क्या है, बाय मिस्टेक यहाँ पे नमक हो गया, थेरवाद नामक होगा, नामक इस तरीके से। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप भी इन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित हुआ। थेरवाद भी एक बौद्ध धर्म का टाइप कह सकते हैं, जिनका यहाँ पर प्रचलन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीर्थयात्री, धर्म का बात हो रहा है, धर्म के प्रचार प्रसार का बात हो रहा है, तो प्रचार प्रसार कैसे होगा, तीर्थयात्रियों के द्वारा होगा। तीर्थयात्री क्या होंगे, वे व्यक्ति या वे लोग जो धार्मिक स्थलों का या पवित्र स्थलों का यात्रा करते हो, यानी धार्मिक वजह से जो यात्रा करते हो, उन्हें ही तीर्थयात्री कहा जाता है। देखिए भारत की यात्रा पर हम लोग देखते हैं मेनली तीन
चीनी तीर्थयात्री मुख्यतः फेमस हुए जो आए भारत में। पहला हमारा हो गए फाइयान 400 ईस्वी में, सुवेन त्सांग 600 ईस्वी में, इतिसंग 650 ईस्वी में। तो तीर्थयात्री क्या होते थे, जब आते थे कहीं पर तीर्थ यात्रा करते थे तो वो अपनी यात्राओं का वर्णन लिखते थे, उसमें उनके साथ जो भी कठिनाई हुआ या यात्रा के दौरान जो भी वो जाने सीखे देखे उन सबों का वर्णन लिखा करते थे। बाकी जितने भी मठ घूमे, देश के घूमे, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, यहाँ के लोगों के बारे में, जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ लिखा करते थे, जो कि बाद में सोर्स बन गया हमारे इतिहास का। इसमें देखते जो ये स्वयं सांग थे, ये जब भारत आए तो रिटर्निंग के टाइम में उत्तर पश्चिम या मध्य एशिया के तरफ से चीन की ओर जा रहे थे। अपने साथ साथ ये बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां, पांडुलिपियां भी इकट्ठा करके लेके जा रहे थे। तो उसी बीच में क्या होता है कि सिंधु नदी में उनका नाव डूब जाता है, जिस कारण से कुछ पांडुलिपियां उसी वक्त खो गई थी, और बाकी जो बची तो उन पांडुलिपियों का वो संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो इन सबों से पता चलता है कि भक्ति भाव काफी उस वक्त पॉपुलर होना शुरू हो गया था। तो जब भक्ति भाव का बात होता है तो जरा उस पर भी ध्यान दिया जाए। गाइस देखिए, भक्ति क्या होता है? भक्ति एक जो शब्द है ये भज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बांटना, यानी भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है उसे हम भक्ति कहेंगे। और जो भक्ति भज शब्द से निकला, भज शब्द का अर्थ होता है भगवान जो अपने ऐश्वर्य या सुखों को अपने भक्तों के साथ बांटते हैं, यानी भगवान का आस्था इंसान इसलिए करते हैं इस थॉट के अनुसार कि भगवान अपने सुखों को, अपने ऐश्वर्य को अपने भक्तों को बांटे या प्रसाद के रूप में दें। जैसे प्रसाद जो मिलता है, आप मंदिर जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको जो प्रसाद मिलता है, वो कहने का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भगवान को दिया गया जो गिफ्ट था, भोजन के रूप में ऐश्वर्य था, सुख था, वही आपको दिया जा रहा है। यानी ऑल टोटल भगवान को जो सुख या ऐश्वर्य मिल रहा है वो अपने भक्तों को बांट रहे हैं, उन्हीं को हम देखते हैं कि भगवान कहें या भक्ति कहें। यानी भगवान वो हो गए जो अपने ऐश्वर्य सुखों को अपने भक्तों से बांट रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी वक्त में देवी देवताओं की पूजा अर्चना का चलन शुरू हो जाता है, यानी आडम्बरों का चलन यहीं से शुरू होता है, जिसमें शिव, दुर्गा, विष्णु आदि बहुत सारे देवी देवताओं का इजाद होता है, नए नए देवी देवता का नाम आता है, उनका पूजा पाठ अर्चना किया जाता है। तो इन पूजा या भक्ति परंपरा के माध्यम से किया जा रहा था, यानी जो पूजा अर्चना किया जा रहा था उनका एक विधि विधान होता था, कि नियम होता था, उन्हीं नियमों के अनुसार किया जाता था। ऐसा नहीं कि जो मन सो नियम डाल दिया अपने मन से, प्रॉपर नियम बनाया गया था और जिसके अनुसार लोग अपने जिस भी देवी देवता को मान रहे हो, पूज रहे हो, उनका पूजा किया, पूजा अर्चना किया करते थे। और भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला था, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, सब कोई भक्ति के मार्ग को अपना सकते थे, अपने इच्छा प्राप्ति के लिए जो भी चीज चाहते हो उसके उसकी इच्छा के मांग के लिए अपनी पूजा अर्चना को सफल समृद्ध कर सकते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो भक्ति मार्ग है, इसकी चर्चा हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है, उसमें भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि तुम सारे कुछ को छोड़ मेरे संग में आओ, वहीं पर तुम्हें सुख मिलेगा। यानी भक्ति भाव को बात करते हैं, भक्ति मार्ग का बात करते हैं। जैसे कि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें आपको ध्यान योग, कर्म योग, इस तरह से भक्ति योग का भी जिक्र किया गया है। तो भक्ति मार्ग को अपनाने वाले आडंबर या पूजा के बजाय ईश्वर की के प्रति लगन पर ज्यादा जोर देने लगे थे। यानी ये जो भक्ति मार्ग था, ऐसा नहीं कि बस पूजा पाठ कर रहे हैं आप, जो भी नियम है, आडंबर है वो कर रहे हैं, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि आप ईश्वर के प्रति अपना लगन कितना दे रहे हैं, कितना आप ईश्वर को मान रहे हैं, उनके प्रति प्रेम भाव रख रहे हैं। जैसे मीराबाई का हम लोग कहानी देखते हैं तो ऐसा ही कुछ मिलता है कि भगवान के प्रति प्रेम भाव। नेक्स्ट देखते हैं कि उनका कहना था, अगर सच्चे मन से ईश्वर की पूजा किया जाए तो आप जिस रूप में उन्हें देखना चाहेंगे उस रूप में आपको दिखेंगे, जिस कारण से परमेश्वर इंसान को कभी शेर के रूप में, कभी पेड़ के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, हर रूप से दिखने लगे। इसी तरीके से एक वराह अवतार होता है भगवान विष्णु का, जिनका मूर्ति मध्य प्रदेश में है, तो इंसान जिस रूप में भी चाहे उस रूप में परमेश्वर को देख सकता था, जितना उसमें श्रद्धा होगा, कहते हैं ना यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना उनमें श्रद्धा होगा उतना ही उनमें शक्ति होगा, उतना ही वो भक्ति करेंगे, जितना भक्ति करेंगे उस आधार पर उन वो जिस रूप में देखना चाहे उस रूप में उन्हें परमेश्वर का दर्शन होता था। तो जिस कारण से क्या होता, जो चित्रकार थे, शिल्पकार थे, या जो कलाकार व्यक्ति होते थे, उन्हें एक नया नया आइडिया मिला कि परमेश्वर को अलग अलग तरीके से दिखाने का, जिस कारण से शिल्पकला, स्थापत्य कला या चित्रकला आदि के माध्यम से अपना व्यक्ति प्रति
प्रेरित कर रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे, या उनका अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे थे, अभिव्यक्त कर रहे थे अपनी भावनाओं को। नया नया कला का निर्माण हो रहा था, लोग नए नए तरीके से भगवान के रंग रूप को, संरचना को दिखाने का, प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे थे। जैसे भगवान गणेश का हम सभी देखते हैं फोटो, कितनी बार दिखता है कि पीपल के पत्ते को आपस में अच्छे तरीके से कुछ डिजाइन से सेट करके दिखाया गया हो। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर किसी भी रूप में मिल सकते हैं, यानी परमेश्वर कहीं भी दिख सकते हैं, कहीं किसी में भी दिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में ही आपको मूर्तियों में ही दिखेंगे। हर इंसान के, इंसान भगवान का रूप होता है, हर इंसान में भगवान का वास होता है। इस तरह का जो धारणा होता है वो इसी वक्त का आया था, ये भक्ति की वजह से ही आया हुआ था कि हर इंसान में, हर जीव में भगवान का वास होता है, परमेश्वर का वास होता है। यानी चारों तरफ आप कहीं भी देख लो, कहीं भी घुमा लो, हर जगह आपको परमेश्वर मिलेंगे। इस तरह का जो विचार है, धारणा, इसी वक्त का देन है। तो गाइस, ये था हमारा टोटल इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग देखे हैं व्यापारियों के बारे में, कुछ राजाओं के बारे में जैसे चेल, चोर, पांडे, सातवाहन, कनिष्क, कुषाण, और तीर्थयात्रियों के बारे में जो, जैसे बौद्धिस्ट यात्री जो भारत आए थे, उन सबों के बारे में। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं जो इस चैप्टर से उठे हैं। पहला, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? दूसरा, निम्न में से किसे दक्षिणा पथ स्वामी कहा जाता है? ये पथ बाय मिस्टेक हो गया, पथ होगा, दक्षिणा पथ स्वामी कहा जाता है। तीसरा, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? चौथा, फाशियन भारत कब आए थे? और पांचवा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कब हुआ था? तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ये रहा बाकी हमारा ऑनलाइन एड्रेस। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज, इस पेज को सब्सक्राइब करें, आप फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।